हेलो दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस में स्वागत करता हूं। और बहुत तेजी से समय जा रहा है, आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि कैसे तैयारी करें। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। पहली बात हम करेंगे एमसीक्यू कोर्स के बारे में, जो स्पेशलाइज्ड एमसीक्यू कोर्स है, और दूसरी बात करेंगे हम कि हमारी प्लानिंग कैसी हो इस वक्त, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मुद्दे पे आता हूँ, एमसीक्यू का एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ, और इस एमसीक्यू कोर्स की खास फीचर्स ये होंगे कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है। इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर का एक एमसीक्यू है, और कॉमन पेपर का एमसीक्यू है, और जीके और रीजनिंग उसी में शामिल है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एमसीक्यू की तैयारी का हिस्सा बने, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझसे ये जान लेनी जरूरी है कि आज तक मेटामॉर्फोसिस के एमसीक्यू जितने भी बताए गए हैं, उसमें से ज्यादातर एमसीक्यू वहां मिले हुए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पिछली एलटी की एक वीडियो देखिए, जो मैंने पहली रात को ही डाली थी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वहां 12 क्वेश्चन पूरे उस वीडियो से आए हुए हैं। तो अगर आप एक दो क्वेश्चन की बात तो छोड़िए, अगर 12 क्वेश्चन के हिंट कहीं से आपको मिल सकते हैं, तो वो एमसीक्यू लेवल और वो रिसर्च लेवल को आप समझते होंगे। तो इस बार भी एलटी और जो है बाकी जो कॉमन पेपर है उसके लिए कमर कस ली है। तो हमारे वहां 16 तारीख से एक एमसीक्यू का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग या तो फाइनेंशियली मुझसे नहीं जुड़ पाए कुछ पैसों की वजह से, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इस बार सबसे कम फीस में मेटामॉर्फोसिस ने सभी को कोर्स दिया है, और बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स को आगे बढ़ा के फिनिशिंग पॉइंट तक ले आए हैं। दूसरा, वो लोग जिन्होंने एक अच्छी प्रिपरेशन तो कर ली है, लेकिन अभी भी कहीं पर उन्हें लगता है कि उन्हें एक गाइडेंस की आवश्यकता है, तो वो बहुत कम पैसों में एमसीक्यू का एक कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इस एमसीक्यू के फीचर क्या होंगे? इसमें देखिए, आपको एक मिलेगा रोज ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपको मैं एकदम एग्जाम के हिसाब से साधना सिखाऊंगा, और निगेटिव मार्किंग को कम करना, और ऑनलाइन टेस्ट होते ही आपके पास पूरा रिजल्ट आपके पास होगा। उसके बाद इसी पेपर पर डिस्कशंस होंगे। उसके अलावा आपको मिलेगी एमसीक्यू के डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, और साथ में आपके कई जो कंफ्यूजन्स हैं उनका क्लियरेंस, रोज के रोज पेपर का डिस्कशन होगा। और एमसीक्यूज में ये नहीं कि आपको एक ही पेपर मिल रहा है, एक एक दिन में आपको तीन तीन चार चार पांच पांच या उससे भी ज्यादा पेपर मिल सकते हैं। ये सीरीज पूरे एग्जाम तक जारी रहेगी। जिन लोगों को ये अटेम्प्ट करना हो या ज्वाइन करना हो, वो तुरंत मुझसे ये 2-3 दिनों में संपर्क करके ये करवा लें, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा लोग नहीं लेंगे, और जिससे कि हम लोग इसको बहुत एक फ्रूटफुल एंडेवर बना सके। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए, और पेडागोजी यानी कॉमन पेपर, जी के रीजनिंग और इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के एमसीक्यू के लिए मुझसे जुड़िए। और अगर आपको ये जानना है कि पिछले एलटी में कैसे हमारे यहां तक कि सिनोनिम तक सेम आ गया था, कैसे आया, तो आप जरूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछले एलटी की डेट से ठीक एक रात पहले डाला गया मेरा वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात कि इस एमसीक्यू सीरीज के अलावा मैं आपको ये भी बताने आया हूं, क्योंकि मेरा सबसे पहला एम होता है कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपनी ओर से गाइड कर सकूं, चाहे वो मुझसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या परोक्ष रूप से। तो एक कंफ्यूजन लोगों के मन में दौड़ रहा है, अभी भी लोग अपने को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब है, कोई सोच रहा है ये छूट गया, कोई सोच रहा है वो छूट गया, कोई सोचता है कि मैंने जो पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा, कुछ कुछों को लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ भी ब्लैंक नजर आ रहा है, कोई स्ट्रेस है टाइम मैनेजमेंट को लेके, कोई किसी चीज को लेके। तो मेरे कुछ मूल मंत्र आप उतारिए, और अपनी तैयारी को थोड़ा पेशेंस और धैर्य के साथ आपकी तैयारी आगे बढ़ पाएगी। सबसे पहला मंत्र है कि आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, और सिलेबस को एक साथ एक दिन में करने की कोशिश ना करें, ठीक है? उसके लिए सबसे पहला मंत्र क्या है, अपने आगे से जो हार्ड कॉपी आपने उस सिलेबस की रखी है ना, वो सबसे बड़ा भूत है, मॉन्स्टर। वो आपको इतने बड़ी बड़ी यूनिट दिखा के जो डरा रहा है, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। तो उस हार्ड कॉपी को साइड रखिए सबसे पहले। अगर आपको कभी सिलेबस देखना हो, सॉफ्ट कॉपी में देखिए, और वो आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल वॉर है, और मैं साइकोलॉजिकल ही फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूं। उस हार्ड कॉपी को रखिए साइड में, और जो आपको पढ़ना है एक बार सॉफ्ट कॉपी खोल के देखिए और उसे साइड कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। दूसरा कि इस समय क्या स्ट्रेटजी हो, इस समय स्ट्रेटजी के लिए आप ये करिए कि अगले 10 या 12 दिन जो आपका सबसे स्ट्रांग पोर्शन है उसको पूरी तरह डिवोट कर दीजिए। यानी कि अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे आप स्ट्रांग पोर्शन को दीजिए और उसको पूरा जकड़ लीजिए, और एक एक घंटा जो है आपके जो कमजोर पोर्शन है उसे दीजिए। उसके बाद यही चीज को रिवर्स कर दीजिए, 10-12 दिन बाद आप जो कमजोर पोर्शन है उसको एग्जाम तक 3-3 घंटा दीजिए, और स्ट्रांग पोर्शन को सिर्फ आप जो टचिंग फिनिशिंग सेंस देते रहिए और एमसीक्यू उस पर करते रहिए। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैं सारी रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजी लाता हूं, और हर साल मेरी बच्चों के साथ एक नई स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सिलेबस एंड टाइम रिमेनिंग के हिसाब से होती है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए रहेगी अगर आप मुझे फॉलो करें तो। दूसरी बात कि इस समय आप फोकस किस ओर बढ़ाना चाहिए, इस समय फोकस आपको एमसीक्यू की ओर बढ़ाना चाहिए, और एक बात बिल्कुल मान के चलिए कि धैर्य और शांति के साथ काम करना पड़ेगा। जो भी आप करेंगे उसको रिटर्न रखिए कि आज का टास्क क्या है, और उसे सही करते रहिए कि मैंने ये टास्क पूरा किया कि नहीं। मेजरमेंट जरूर करें हर हफ्ते संडे को कि मैं पूरी तरीके से इस टास्क को कर पाया कि नहीं, और इसका जो है मेरी स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या रहा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो स्ट्रेटजी तुरंत चेंज कीजिए। तीसरी बात, एक चीज है मेंटली प्रिपेयर होना, दूसरा है फिजिकली प्रिपेयर होना। ये बड़े जबरदस्त फंडामेंटल्स जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। जिनको कभी भी बहुत ज्यादा फटीग का अनुभव हो रहा है और वो कितना ही कर रहे हैं, एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें नींद ही नींद आ रही है, कुछ लोगों की शिकायत थी, तो उनको जरूर फिजिकली भी आपको हर ओर से फिट होना पड़ेगा। तो आप अपना एक ब्लड टेस्ट करवाइए और उसमें B12 और विटामिन डी को जरूर चेक करवाइए। B12 का पहला जो साइड इफेक्ट होता है कम होने का, वो आप बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाते हैं और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है, और बिल्कुल आपको लगता है कि ताकत नहीं है, थका थका फील करते हैं। आजकल की भागम दौड़ वाली जिंदगी में हम लोग ऐसा नहीं करते। और तीसरी चीज कि आप लोग क्योंकि मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं तो एक बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल जरूर लें एग्जाम तक, क्योंकि वो आपके नर्व्स को रिलैक्स करेगी। नहीं तो क्या होता है कि हम पूरी तरह जो खाना खाते हैं वो विटामिन्स की पूरी कमी वैसे ही पूरी नहीं करता। आजकल डाइट हमारी बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी जरूर लगती होंगी, लेकिन मेरी ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है वॉर की वो बहुत ही काम आती है। चौथी चीज कि आप सुबह सुबह जो है सुबह उठ के खाली नंगे पैर जरूर गहरी सांसें लेके घास पे चल सकते हैं, या फिर अगर घास नहीं है तो गहरी सांसें लेके 8-10 मिनट बाहर टहलिए, जिससे आपकी ऑक्सीजन जो खुराक है ब्रेन की वो उसे मिलेगी। फिजिकल आप खाने से ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो स्ट्रेस लेवल है उसके लिए बहुत जरूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज, जब आप पढ़ लेते हैं 2 घंटे 15-20 मिनट रिलैक्स कीजिए। उस रिलैक्स में कुछ अच्छे म्यूजिक जो सूदिंग हो, चाहे बांसुरी के हों, चाहे संतूर के हों, चाहे और किसी और चीज से रिलेटेड हो, जो म्यूजिक सूदिंग हो उसे सुनिए। और मैंने अपने बच्चों को विपश्यना प्रैक्टिस कराई है, विपश्यना के साथ बांसुरी और इनके साथ कैसे मेडिटेशन किया जाए ये भी कराया है। तो आप भी म्यूजिक के साथ अपनी ब्रेन नर्व्स को रिलैक्स कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने धैर्य को बनाए रखना, जल्दीबाजी ना दिखाएं, छोटा टास्क डायरी में लिखें और उसके साथ काम करें। और भी कई चीजें हैं जो मैं एग्जाम तक बीच बीच में लेके आऊंगा, लेकिन इस बीच आपको इतनी चीजें जरूर करनी है। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, कुछ भी मेडिटेशन कीजिए, चाहे प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, सांसों को लेके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। 6 से 7 घंटा नींद आपकी पक्का होनी चाहिए। 24 घंटे में 6 से 7 घंटा नींद बहुत अच्छी है। अगर 7 घंटा आप एक साथ नहीं सो पा रहे तो आप उसे ब्रेक में भी ले सकते हैं, 3 घंटा दिन में या 2 घंटा, और 4 घंटा या 5 घंटा रात को। इससे आपकी जो है माइंड और बॉडी थकेगा नहीं, और आप अच्छे तरीके से गोल की ओर अग्रसर हो पाएंगे। सोशल मीडिया से कट कीजिए, और कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सएप में फालतू चीजें नहीं सिवाय अपने ग्रुप के। और सबसे बड़ी बात, जो पूरी सोसाइटी है उसमें होने वाले फंक्शंस और ये जितने भी शादी ब्याह हैं, इनसे अपने आप को कट कीजिए। फोकस आपका इसी में रहना चाहिए। बाहर का कुछ ना खाएं, अपनी तबीयत का आपने ज्यादा ख्याल रखना है। अगर ज्यादा ख्याल रखेंगे
तभी आप हेल्दी बॉडी के साथ आप अच्छी तरीके से कूल माइंड से कर पाएंगे। दूसरों को फोन करके बहुत ज्यादा डिस्कशन ना करें, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको लगता है कि उसने इतना पढ़ लिया, इसने इतना पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ कि आपने धैर्य के साथ सिर्फ अपने गोल पे काम करना है और अपनी कमजोरी पे काम करना है। तो ऐसी कई टिप्स लेके मैं आपके पास आता रहूंगा, और एमसीक्यू बेस्ट से जुड़ने के लिए अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मेटामॉर्फोसिस के हमेशा क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और 16-17 को हम लोग एक क्लोज कर देंगे। 16-17 तक जितने लोग आ गए हमारे साथ एमसीक्यू में जुड़ सकते हैं। हम इसलिए क्लोज कर देंगे क्योंकि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते, उसके बाद हम उन लोगों पे गहरा काम करेंगे। तो दोस्तों फिर होती है मुलाकात। थैंक यू और जुड़े रहिए मेटामॉर्फोसिस से। सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, और हमारे मैटर और हमारी जो रिसर्च है इसको जितनी हमने मेहनत कर रहे हैं उसको सार्थक बनाएं। थैंक यू। यू आर आवर इंस्पिरेशन एंड योर कमेंट्स आर माय स्ट्रेंथ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।